हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज एक्चुअली क्या, गुरु गरीब एक छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो मैं सालू और गरीब भाई हम तीनों जा रहे हैं अपना ओरिएंट की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको। से तो बस आ चुकी है, तो मिलते हैं बस में बैठ के। तो फाइनली हमने भाग भाग के ना हमने बस पकड़ी ली, उस टाइम में पहुंच गए, क्योंकि जब हम आ रहे थे हमारे आगे से बस मतलब कि स्टॉप की तरफ आ रही थी, तो उनकी उन्होंने भाग के पकड़ी है। चलो अब मिलते हैं आपको सीधा, ऑडियंट पहुंच गई, बाकी दिखाते हैं आपको सफर। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना ओरिएंट, मतलब बस में से निकलने के बाद हम नीचे आ चुके हैं अपना। अब हम जाएंगे मॉल में, तो अब चलते हैं मॉल में, घूमते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको लेके चलते हैं सीधा मॉल में। तो गाइस, मॉल में से निकलने के बाद मॉल के बैक साइड में एक ना लोकेशन है, तो अभी आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। बाकी थोड़ी बहुत बूंदें आ रही हैं, हल्की फुल्की हैं, ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। पीछे अपने वो मॉल ही है, लेकिन ये मॉल के बैक साइड में आए हैं पहली बार। ठीक है, गरीब भाई अपना अंदर ही है, सालू इधर है, क्योंकि वो बारिश में नहीं आ रहे। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, बाकी अभी आपको बैक कैमरे शॉट दिखा देता हूँ। बाकी बिल्कुल यहाँ से ना बिल्कुल एंड में जाके दिखाएंगे आपको, वहाँ से व्यू मतलब जो समुद्र का व्यू है वो बहुत अच्छा है अपने साइड में। चलो आप बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल एंड में जाके, यहाँ के बिल्कुल एंड में जाके मिलते हैं आपको, वहीं से दिखाते हैं आपको और शानदार व्यू। कहाँ? तो गाइस, यहाँ ना ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों के झंडे लगे हुए हैं। हाँ, दिखा मैंने अपना कहाँ, और ये रहा अपनी इंडिया का झंडा। तो चलते हैं और आगे, बाकी बारिश थोड़ी तेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर वहाँ तक सही ऐसे ही रहा फिर तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ओके, साइड में और ये देखो ऊपर वुडन कठोले चल रहे हैं ऊपर। यहाँ पे ना चलो आपको पास में जाके दिखाई देता हूँ, जल्दी बाजी जल्दी जल्दी। बाकी चलो, ये रहा आपने भारत का झंडा। ठीक है, तो ये चीज लोकेशन देख लो कितनी अच्छी है, मतलब घूमने फिरने के लिए लगा लो आराम से, समुद्र के बिल्कुल पास। ये अपना समुद्र, दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र। ठीक है, अभी चल रहे हैं अपने उड़न कटोले। आसपास की व्यू
तो चलो चलते हैं अब सीधा दोबारा अपना मॉल में, क्योंकि बारिश तेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। चल भी सालो, तो चलते हैं अब अपना सीधा वापस। तो कहीं तो हम वापस जा रहे हैं अपना मॉल की तरफ, वास्को द गामा जो ओरिएंट में है। ठीक है, और बाकी ये नेवी, इन्होंने एक कैट बना रखी है और उससे पेंटिंग कर रखी है। दिखा देते हैं आपको सामने से भी। और एक ये पता नहीं क्या बना रखा है। पैर बना रखे हैं, पैर या कुछ भी लगा लो, एक पैर के ऊपर ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। और ये बना रखी है कैट। तो चलो चलते अपना यहाँ से मॉल की तरफ। ये मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है ना, प्लास्टिक वगैरह, वेस्ट जितने मटेरियल प्लास्टिक के जितने भी सामान हैं उनसे बना रखी है ये। जैसे जो डस्टबिन होते हैं वो टूटे फूटे, उनसे बना रखी है। और मैं भी कोई ना यहाँ पे जुरा के सोता होगा, कोई ना कोई गरीब होगा ऐसा। देखो यहाँ कंबल वगैरह पड़ा उसका, और ऊपर वो सोल भी पड़ी है मेरे ख्याल में उसकी। ये सारा फ्लावेस्टर से बनाया हुआ है। तो चलो चलते हैं अपना सीधा मॉल में। तो भाई सब थोड़ा बहुत घूम लेते हैं मॉल में, ठीक है। बाकी मॉल तो आपको तो पता ही है कि कैसे कैसे नहीं क्या क्या होता है। तो फिलहाल अब बस ये थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ा बहुत घूम फिरने के बाद, ठीक है, जाते टाइम। तो गाइस घूम फिर के हम आ चुके हैं अपना घर पे, और अभी करते हैं अपना खाने पीने की तैयारी। बाकी जस्ट अभी आके उस कपड़े चेंज किए हमने, क्योंकि तो रास्ते में आते हुए ना घर वाले की कॉल आ गई थी, तो उनसे बात कर रहे थे, इसलिए बीच का सफर दिखा नहीं पाया। तो बस अभी घर आए हैं, तो अभी करते हैं खाने पीने की तैयारी, ठीक है। तो भाई खाना पीना हो चुका है तैयार, तो अभी हम खा लेते हैं खाना। तो आते हो ना रास्ते में हम केक लेके आए थे, क्योंकि धर्म में केक मिलते हैं ना। तो अब करते हैं इसकी कटिंग और खाते हैं इसको। केक 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 बर्थडे टू यू। है कौन है तू, ये है कौन है? तो फाइनली गाइस केक कुक खाने के बाद, खाना खुना खाने के बाद अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। आ चुका हूँ अपने बेड पे, ठीक है। तो करते हैं रेस्ट और करते हैं वीडियो एडिट, और फिर मिलते हैं अब कल की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।